हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूं पूनम राजपूत आई होप यू आर डूइंग गुड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है अगेन मीशो साड़ी हॉल होने वाला है और आज के हॉल में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मीशो करवा चौथ स्पेशल साड़ी हॉल करवा चौथ स्पेशल भी होने वाली है साथ में वेडिंग सीजन आ रहा है फेस्टिवल्स आ रहे हैं बैक टू बैक तो सभी के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो मैंने साड़ी वेयर की हुई है ये भी मीशो से ही है रेडी टू वेयर ब्लाउज मिल जाता है प्यारी सी साड़ी मिल जाती है बेस्ट साड़ी है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या तो इसका रिव्यू आ गया होगा या फिर आने वाला होगा वो आप चेक कर लीजिएगा फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ईयर जो कि मैंने मीशो से ही मंगाए हैं बहुत ही प्यारे हैं 200 के अप्रोक्स आई थिंक इसका प्राइस था उसके अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारे थी बहुत ही प्यारे से हैं बहुत ज्यादा लाइट वेट है वाइट कलर में हैं तो किसी भी ड्रेस के साथ किसी भी साड़ी के साथ किसी के साथ भी बहुत अच्छे से चल जाएंगे क्योंकि मिक्स एंड मैच करने का कोई टेंशन नहीं है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट है बहुत हैवी फील नहीं हो रहे हैं देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं बट बहुत ही प्यारे से हैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई कर सकते हैं जो साड़ी है बहुत ही प्यारी सी है मेहरून कलर में करवा चौथ इसके लिए बहुत ही बेस्ट साड़ी है इसका जो है एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है प्रिंट मिल जाता है कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है ग्रीन एंड रेड यानी मेहरून का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से की गई है और सिल्क वाला फैब्रिक है सॉफ्ट सिल्क जो होता है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है एकदम परफेक्ट है करवा चौथ दिवाली या फिर वेडिंग सीजन के लिए प्रिंट बहुत ही प्यारा है और इस एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही प्यारी सी है अंदर से पूरी साड़ी ये प्रिंटेड मिलेगी इस तरह की ये सारा प्रिंट ना ऊपर से है लेकिन जल्दी से हटने वाला ये प्रिंट नहीं है इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो ये बहुत जल्दी से नहीं हटेगा लेकिन आपको ये हैंड वॉश करनी पड़ेगी इस तरह की प्रिंटेड साड़ी है और ये प्रिंट आपको पूरी ही साड़ी पे इस तरह से मिल जाता है किनारी पे आप देखोगे ये पाइपिंग मिलेगी जो की ग्रीन कलर की है और ये ट्रेंगुलर वाली ना लेस मिलेगी इस तरह से पूरी ही साड़ी पे इस तरह से ये लेस मिल जाती है बहुत ही प्यारा सा पीस है और इस पूरी साड़ी आपको इस तरह की मिलेगी और ये जो फैब्रिक है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसका जो पल्लू पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ पल्लू पे ना बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है पास से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी की गई है इतने ब्रॉड वाला एक बॉर्डर क्रिएट करा गया है और किनारी पे ये पाइपिंग और ट्रेंगुलर वाली लेस भी है और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना इसके यहाँ पे आप देखोगे ये स्टोन वर्क है रियल स्टोन का वर्क पूरे पल्लू पोर्शन पे है तो साड़ी बहुत ही प्यारी सी है और हाईली रिकमेंड है इसका ब्लाउज की अगर मैं बात करूँ तो इसका ब्लाउज आपको ग्रीन कलर में मिल जाता है ये आप देख सकते हो इस तरह के ग्रीन कलर में बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट फैब्रिक है सेम ही फैब्रिक है जो कि साड़ी का फैब्रिक है और प्लेन फैब्रिक मिल जाता है ग्रीन कलर का इट 90 सेंटीमीटर है अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा और किनारी पे ये पाइपिन लगा के दी हुई है और ये ट्रेंगुलर वाली लेस तो हाईली रिकमेंड साड़ी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं सेकंड जो हमारी साड़ी है अगेन बहुत ही प्यारी सी है जॉर्जेट फैब्रिक में है करवा चौथ के लिए बेस्ट पीस है बहुत ही प्यारा सा ये इसका ब्लाउज पीस मिल जाता है जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है ये जो साड़ी है ना लाइक आपको बिलीव नहीं होगा मीशो की है इस तरह की इसकी क्वालिटी एंड इसी तरह का लुक आने वाला है ये एक मैंने एंकर वीडियो में भी पहनी थी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आप लोगों को ना इसका लिंक आप मांग रहे थे तो अभी पहले डिटेल ले लीजिए ले ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं है ये जो साड़ी है इस तरह की मिलेगी आपको ये जॉर्ज फैब्रिक में है जॉर्ज बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा वाला फैब्रिक है इसका और नीचे के साइड ये ब्रॉड वाला बॉर्डर मिलेगा जरी का विविंग वर्क का इस तरह का बॉर्डर है और किनारी पे इस तरह से ये लेस लगी हुई है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है इस तरह की लेस पूरी साड़ी पे आपको मिल जाती है और ये जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा सारा ही विविंग में है एंड बैक से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है इस तरह से तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी लग रही है ये ऊपर के साइड आपको ये लेस मिलेगी सिर्फ ऊपर के साइड बॉर्डर नहीं मिलेगा और नीचे के साइड ये विविंग का इस तरह से बॉर्डर मिलेगा और ये लेस आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड मिल जाती है तो साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है बैक से भी मैं आपको दिखा रही हूँ फिनिशिंग के साथ है फैब्रिक ऑसम awesome है इसका फैब्रिक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आपको भी पसंद आएगा इसका जो पल्लू पोर्शन है उस पर कोई चेंज नहीं है सिर्फ ये जो है ना बॉर्डर लगाया गया है ये लेस पल्लू पोर्शन के साइड भी ऊपर और नीचे दोनों साइड मिल जाती है ये ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है एंड इसकी क्वालिटी सुपअप है पूरी साड़ी इसी तरह की मिलेगी अंदर से अगर मैं बात करूँ तो कुछ पोर्शन लेस के बिना है जिस पे लेस नहीं है वो है एक मीटर एक मीटर पोर्शन छोड़ा गया है उसके बाद ये लेस स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा सा इशू ये है तो ये इनको थोड़ा सा और ज्यादा देनी चाहिए थी बट कोई नहीं साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है तो इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो है ये और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखो कितना प्यारा सा बनाया गया जब इसका ब्लाउज आप स्टिच करा लोगे तो ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी ये आप देख सकते हो अब जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो है ये बहुत ही प्यारा से। ये आप देखोगे ये विविंग का वर्क है और ये आप देखोगे ये जो लाइनिंग है ये धागे की एम्ब्रॉयडरी है विविंग में और उसमें छोटा छोटा सा सीक्वेंस डाला गया है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो हल्के से शाइन भी आ रही है छोटा छोटा सीक्वेंस है बहुत ज्यादा तो बहुत ही प्यारी लगेगी साड़ी जब ब्लाउज बन जाएगा क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया गया है ये हाईली रिकमेंड साड़ी है मेरी तरफ से जल्दी से बाय कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है साड़ियां इसका जो ब्लाउज उस पर लेस भी मिल जाती है जो कि साड़ी पे भी लगी हुई है हुई तो है तो ये हाईली रिकमेंड साड़ी है मेरी तरफ से टेन ऑफ टेन है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेस वाली वो अगर आप चाहो तो ब्लाउज की उतरवा के और साड़ी पे लगवा सकते हो उसके साथ साड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी वैसे साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है एंड करवा चौथ के लिए परफेक्ट पीस है आप ट्राई कर सकते हो जो हमारी नेक्स्ट साड़ी है वो है जिमी जो फैब्रिक में जिन लोगों को रेड नहीं पहनना करवे पे वो ये कलर ट्राई कर सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर बहुत ही प्यारी सी साड़ी है हैवी लुक में है बहुत ही हैवी लुक मिलेगा आपको क्योंकि इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही प्यारी सी है वैसे वेटेड नहीं है बट तो लुक बहुत हैवी क्रिएट होगा इसके साथ बहुत ही प्यारा सा तो ये जो साड़ी है जिमीचू या और गेंजा कुछ भी बोल सकती हो वैसे जिमीचू फैब्रिक में है इस तरह के और किनारी पे आप देखोगे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो कि जरी की एम्ब्रॉयडरी है बट बहुत फिनिशिंग के साथ की गई है जरी और सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही प्यारी सी है बहुत प्यारा सा लुक मिलेगा जब आप वेयर करोगे और आप देखोगे ये बॉर्डर आपको ऊपर नीचे और इधर की पल्लू पोर्शन के साइड भी मिल जाता है और ये साइड में आप देखोगे कट वर्क क्रिएट किया गया है कुछ इस तरह से आप देखो कितना अच्छा सा लुक आ रहा है बाकी क्लियर आपको ट्राई ऑन में हो जाएगी पूरी साड़ी पे ये बॉर्डर मिले क्रिएट किया गया है और बीच में ये छोटे छोटे से फ्लावर दिए गए हैं आप देख सकते हो छोटे छोटे से फ्लार पूरी साड़ी पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है हाईली रिकमेंड पीस है और अंदर से अगर मैं बात करूँ तो अंदर से आपको कुछ पोर्शन प्लेन मिलता है जो कि 80 सेंटीमीटर पोर्शन है अंदर के साइड आ जाएगा बैक साइड पे प्लेन नहीं आएगा एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो जाएगी साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है एंड परफेक्ट है करवे के लिए अगर आप रेड से अलग कुछ वेयर करना चाहते हो इसका जो ब्लाउज है उसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है जब इसका ब्लाउज बन जाएगा तो ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी इसका ब्लाउज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका जो फ्रंट है वो इस तरह से मिलेगा एम्ब्रॉयडरी के साथ स्लीव्स कुछ इस तरह की मिलेंगी दोनों स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और बैक के लिए प्लेन पोर्शन आपको मिल जाएगा और एक स्लीव्स इधर दी हुई है तो इस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन आप देखो बहुत अच्छा है जब ब्लाउज बन के आएगा ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा तो ये भी परफेक्ट है वेडिंग सीजन के लिए फेस्टिवल सीजन के लिए और करवा चौथ के लिए तो परफेक्ट है ही तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही प्यारा सा पीस है नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है ये है विविंग वर्क में रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी ये साड़ी एक मैंने वीडियो मतलब वेयर की थी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि मैं इसका लिंक दे दूं तो अभी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ ये है जॉर्जेट फैब्रिक में बहुत ही प्यारी सी बहुत सिंपल सोवर सी साड़ी है जॉर्जेट फैब्रिक अच्छा वाला है और ये जो साड़ी है ना इस पे पूरी पे जरी का विविंग वर्क है ये आप देखो कुछ इस तरह से ऊपर से इस तरह का बॉर्डर मिलेगा ये आप देखो इस तरह से बीच में इस तरह से ये लाइनिंग क्रिएट की गई है और ये सारा वर्क विविंग का है नीचे के साइड आप देखेंगे इस तरह से ये।, ये कुछ इस तरह से विविंग में वर्क किया गया है पास से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह का वर्क है कुछ इस तरह का वर्क विविंग में किया गया है पूरी साड़ी इसी तरह की है इवन इसमें पल्लू पोर्शन वगैरह कुछ अलग से नहीं है पूरी साड़ी पे इसी तरह से सिर्फ वर्क है ये ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी इसमें पल्लू वगैरह कुछ भी अलग से नहीं है सिंपल सी साड़ी है बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो दिया हुआ है पिंक कलर में ये रेड है और ये पिंक है ब्लाउज का फैब्रिक अभी मैं दिखा देती हूँ सेम फैब्रिक है बिल्कुल सेम डिजाइनिंग सेम वो लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज है ब्लाउज पिंक कलर का है और रेड कलर की साड़ी है तो अच्छी लगेगी जब आप वेयर करोगे अच्छे से ज्वेलरी वगैरह के साथ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक मिल जाता है इस तरह का सेम जैसा आप साड़ी मैंने दिखाई सेम उसी तरह से है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप इस साड़ी को भी बाय कर सकते हो नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो है ये बहुत ही प्यारी सी सिल्क फैब्रिक की साड़ी है बहुत ही प्यारी सी है एंड परफेक्ट है इस करवे के लिए जो लोग रेड नहीं वेयर करना चाहते इसको ट्राई कीजिए बहुत ही प्यारा सा कलर है कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है येलो का एंड पर्पल का बहुत ही प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है साड़ी वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लुक मिलेगा बहुत ही प्यारा सा लुक ये जो साड़ी है इस तरह के जरी के विंग वर्क में है ये आप देखो इस तरह से ये आप देखो बिल्कुल जो बनारसी टच होता है ना कुछ उस तरह का टच इसके साथ मिलेगा लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक में है जैसे विस्कोस टाइप का फैब्रिक होता है ना कुछ उस तरह का फैब्रिक है ये आप देखो इस तरह का ये पूरा विबिंग का वर्क है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ऊपर इस तरह का बॉर्डर मिलेगा ये आप देखो और साथ में ये लेस लगाई गई है ऊपर से जिसपे सिक्वेंस एंड जरी का वर्क है बीच में से पूरी साड़ी पे इस तरह का विबिंग का वर्क मिल जाता है और नीचे के साइड अगेन जैसा बॉर्डर ऊपर है सेम बॉर्डर आपको नीचे के साइड मिल जाता है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है वेयर करने के बाद ट्राई ऑन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की लगने वाली है तो पूरी साड़ी इसी तरह के वर्क में है पल्लू पोर्शन कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है इस पे ये इस तरह का वर्क है ये और किनारे पे इस तरह से ये लेस लगाई गई है बैक से मैं दिखाऊं तो बैक से आप देखो इस तरह की फिनिशिंग के साथ है बिल्कुल भी फंसने वाला कुछ भी वर्क इसमें नहीं है एंड फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है आप जरूर ट्राई कीजिएगा येलो ब्लाउज के साथ जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा ना बहुत ही प्यारी लगेगी परफेक्ट है किसी भी वेडिंग के लिए जात वगैरह के लिए अंदर से सिर्फ इतना सा पोर्शन प्लेन मिलता है जो कि वैसे भी प्लेन है और इस पर बॉर्डर भी नहीं दिया गया है तो ये छोटा सा पोर्शन है जो कि अंदर आएगा बैक से बिल्कुल इस तरह से हैवी वर्क में आएगी साड़ी ये हाईली रिकमेंड है इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसमें अंदर के साइड अटैच किया गया है जो कि है ये और जो आपको मिल जाता है एक मीटर फैब्रिक है इस तरह का इसमें भी विविंग का वर्क है छोटा छोटा सा अगर आपको दिख रहा होगा किनारे पे आप देखोगे ये इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है जो की बैक या स्लीव पे आप लगवा सकते हो और ये लेस भी दी हुई है इस तरह से तो ये साड़ी हाईली रिकमेंड है जब आप वेयर करोगे ना बहुत अच्छा लुक मिलेगा एंड ट्राई ऑन में थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह की लग रही है नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो है ये बहुत ही प्यारी सी स्टोन वर्क में एंड टाई एंड डाई टाइप का इस पे वर्क है दो शेड में मिल जाती है दोनों ही शेड बहुत ज्यादा प्यारे हैं और इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको और भी मिल जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो बट ये कलर मुझे काफी पसंद आया ये भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप ले सकते हो फेस्टिवल के लिए ले सकते हो दिवाली वगैरह पे पेयर कर सकते हो अच्छी साड़ी है बहुत ही प्यारा सा पीस है प्राइस के अकॉर्डिंग ये आप देखो इस पे ना कुछ बांधने और इस तरह का वर्क है जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह से ऊपर के साइड ना ये आप देखोगी ये बॉर्डर रेडी किया गया है जिस पे रियल स्टोन का वर्क है बैक साइड पे इस तरह से ये पेस्टिंग करके ना तब ये पेस्ट किए गए हैं बट ये जल्दी से हटने वाले नहीं है लेकिन आपको हैंड वॉश इसको करना पड़ेगा बीच में से आप देखोगे ये इस तरह का ये किनारे पे कुछ इस तरह से और बीच में ना ये डार्क कलर और डार्क कलर के बीच में इस तरह से ये ऐसे इसकी डिजाइनिंग है ये आप आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह की इसकी डिजाइनिंग होने वाली है इस तरह की कुछ इसकी डिजाइनिंग होने वाली है नीचे ये लाइट शेड आएगा और ये स्टोन वर्क आएगा बीच में इस तरह से ये वर्क आएंगे इस तरह के तो साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो भी प्लेन नहीं है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे ये ना अंदर वीविंग में ही ना शाइनिंग की इस तरह से लाइनिंग क्रिएट करी गई है

वो कितने पोर्शन के बाद है मैं आपको बता देती इस साड़ी में अंदर की साइड जो पोर्शन प्लेन मिलता है वो है नाइनटी सेंटीमीटर पोर्शन तो थोड़ा बहुत पोर्शन प्लेन आ सकता है बट फॉल लगवा लोगे तो उतना सम, मतलब क्लियर नहीं होगा फॉल आप इस तरह से लगवा लोगे ना तो उतना पता नहीं लगेगा इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है ये बहुत बड़ी थोड़ा बहुत पोर्शन आ सकता है इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो है एक मीटर फैब्रिक दिया हुआ है सिल्क वाला फैब्रिक है मीडियम क्वालिटी का है किनारे पे आप देखोगे इस तरह से ये स्टोन वर्क किया गया है ये साड़ी भी बहुत ज्यादा प्यारी है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा आप देखते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी नेक्स्ट हमारी साड़ी है वो ही पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी है उस पर ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी है ये साड़ी भी परफेक्ट है छोटे मोटे फंक्शन के लिए या फिर आप करवे पे भी पहन सकते हैं लो लोग लाइट कलर वेयर करना चाहते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट पीस है ग्रीन और मतलब डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा है तो ये साड़ी कुछ इस तरह की मिलेगी किनारे पे आप देखोगे बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी ब्रॉड बॉर्डर मिलेगा जिस पे आपको बहुत ही सी मिलेगी जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, की है और जो बीच बीच में लगाए गए हैं गोल्डन कलर के सीक्वेंस है बहुत अच्छे से लगाए गए हैं बहुत ही प्यारा सा लुक मिलेगा जब आप इस साड़ी को वियर करोगे जो लोग लाइट कलर वियर करना पसंद करते हैं ना उनको ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आएगी इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है जब आप वियर करोगे ये ही बॉर्डर आपको ऊपर नीचे और पल्लू पोर्षण के साइड नीचे भी सेम बॉर्डर मिल जाता है और पल्लू पोर्सन के साइड भी सेम बॉर्डर मिलेगा बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से बहुत प्यारी लग रही है साड़ी एंड इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है प्रॉपर साड़ी इसी तरह की मिल जाती है और अंदर के साइड अगर मैं बात करूं तो कुछ पोर्सन इसमें छूटा हुआ है जिसपे ये बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी नहीं दी हुई है जो की एक मीटर से थोड़ा सा ज्यादा पोर्सन

और स्लीव्स पे भी बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाती है जो कि है ये स्लीव्स पे भी बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ वर्क किया गया है ये है इसकी स्लीव जिसपे फुल पे एम्ब्रॉयडरी है एंड बैक के लिए प्लेन पोर्शन दिया हुआ है तो हाईली रिकमेंड साड़ी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बहुत ही प्यारा सा पीस है नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो है ये प्रिंटेड में और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ग्रीन कलर के साथ बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन इसका दिया हुआ है सिंपल सी साड़ी है बट बहुत अच्छा लुक इसके साथ आपको मिलेगा इसका जो फैब्रिक है वो भी जॉर्जर फैब्रिक है बहुत अच्छा सा है और इस पे आप देखोगे इस तरह से ये प्रिंट है पूरी साड़ी पे ये प्रिंट मिल जाता है कलर बहुत प्यारा है सॉफ्ट फैब्रिक है अच्छा है और ये पूरा प्रिंट है एंड प्रिंट के ऊपर ना हल्का हल्का सा सिमर लगाया गया है ये जो आपको दिख रहा है ना ये सिमर है इसके ऊपर लगाया गया है इस तरह की मिलेगी साड़ी सॉफ्ट मतलब कंफर्टेबल हेड मतलब कि छोटे मोटे फंक्शन में आप अच्छे से वियर कर सकते हो इसके किनारे पे आपको इस तरह से पाइपिन मिल जाएगी जो कि ग्रीन कलर की है तो आप देखो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया गया है पल्लू पोर्शन के साइड भी यही पाइपिन मिलेगी और किनारी पे आप देखोगे ना रियल स्टोन का वर्क किया गया है इस पूरी साड़ी पे इस तरह से रियल स्टोन का वर्क है आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये पूरा रियल स्टोन का वर्क आपको मिल जाता है इस तरह से तो ये पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलती है अब मैं इसका दिखाती हूँ पल्लू पोर्शन पहले अंदर के साइड इतना सा पोर्शन छूटा हुआ है जो कि अंदर के साइड आ जाएगा जो कि 80 सेंटीमीटर है तो इसमें पीछे के साइड प्लेन पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो दिया हुआ है ग्रीन कलर में 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है किनारी पे ये स्टोन वर्क मिल जाएगा एंड फैब्रिक में आप देखोगे ये एम्ब्रॉयडरी है और छोटा छोटा सा ना सिक्वेंस भी यूज किया गया है इस तरह से ये आप देखो इस तरह से तो फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये भी हाईली रिकमेंड पीस है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अब जो हमारी नेक्स्ट साड़ी है वो है लहरिया प्रिंट में सिंपल सी क्रेफ फैब्रिक में साड़ी है बट बहुत अच्छा लुक मिलेगा इसका जो कलर है बहुत प्यारा है ऑरेंज कलर प्रिंटेड साड़ी है पूरी पे ये प्रिंट आपको मिल जाता है इस तरह का जिक जेक वाला पैटर्न है कुछ प्रिंट का और किनारी पे आप देखोगे इस तरह से ये मिरर वर्क किया गया है जो कि कट वर्क में है इस तरह की एक रेड साड़ी ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ वो भी बहुत ही प्यारी थी उसी का ये ऑरेंज कलर है बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड जो मिरर है ना वो प्लास्टिक मिरर है तो खराब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ये इसका पल्लू पोर्शन मिलेगा इस तरह के प्रिंट में एंड पल्लू पोर्शन के साइड भी ये वर्क मिल जाता है साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है है पूरा प्रिंट अंदर से है, तो निकलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है लुक वाइज साड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है एंड फैब्रिक भी अच्छा है अंदर से अगर मैं बात करूं तो 80 सेंटीमीटर के आसपास फैब्रिक प्लेन है उसके बाद ये सीक्वेंस वर्क स्टार्ट हो रहा है अच्छी साड़ी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका जो ब्लाउज है वो आपको इतना मिलेगा जो कि 80 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर फैब्रिक है किनारी पे इस तरह से ये मिरर वर्क मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेन नहीं है हल्का हल्का सा ना वर्क है इसपे भी तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप इसको बाय कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है अच्छी साड़ी है डेली बियर के लिए एकदम परफेक्ट पीस है नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो मैंने बहुत कम प्राइस में ट्राई की है बट अच्छी साड़ी है प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करू ना तो बहुत अच्छा सा पीस है जिन लो, जिन लोगों को डेली के लिए कम प्राइस में कोई साड़ी चाहिए वो इस साड़ी को ले सकते हो सॉफ्ट फैब्रिक में है और प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है ये पूरा प्रिंट अंदर से है और पूरी साड़ी इसी तरह के प्रिंट में मिलेगी कलर बहुत प्यारा है रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है पूरी साड़ी इस तरह के प्रिंट में मिल जाती है किनारी पे इस तरह से ये बॉर्डर मिल जाएगा आप देख सकते हो ये बॉर्डर आपको ऊपर नीचे और पल्लू पोर्शन के साइड पूरे पे मिल जाएगा और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अच्छी साड़ी है फैब्रिक भी अच्छा है वियर के लिए परफेक्ट पीस है और ये बॉर्डर आपको अंदर तक मिलेगा बिल्कुल भी प्लेन पोर्शन आपको नहीं मिलने वाला है इसके ब्लाउज की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का मिलेगा कुछ ब्लाउज का फैब्रिक जो कि है 80 सेंटीमीटर फैब्रिक इस तरह के प्रिंट में है साथ में ये बॉर्डर भी आपको मिल जाता है तो ये साड़ी भी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखो जितना हम प्राइस पे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें साड़ी मिलेगी तो ये था आज का हमारा हॉल आई होप ये हॉल आप लोग को पसंद आया होगा इसमें से कोई ना कोई साड़ी तो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी कैसा लगा है आज का मेरा हॉल प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है और बेल आइकन को हेट जरूर कीजिएगा जिससे जब भी मैं वीडियो डालू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो मिलूंगी आपसे एक बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय